हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमित किचन में आपका स्वागत। आज हम करेंगे बेसिक स्पॉन्ज केक। रेसिपी बहुत आसान है। मार्केट में जो केक है ना, बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आज इसे हम बनाने वाले हैं 2 अंडे से और 2 कप मैदे से। जैसे मार्केट में मिलता है उसी तरह से रेडी भी हो जाता है। वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर देखते हैं स्पॉन्ज केक घर पर कैसे बनाना है। दो कप लिया है मैदा, 2 अंडे लिए हैं। जो जितना मैदा लिया है उतना हाफ आपको शुगर लेना है। नॉर्मल शुगर ली थी उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। वेनिला एसेंस है, 2 चम्मच ली है कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है कॉफ़ी पाउडर, खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर, और ऑयल लिया है 1/2 बाउल। एक तोड़ लूँगी। फ्रिज में अगर अंडे हुए ना तो आप उसे फ्रिज से बाहर निकाल के रखी है, क्योंकि अगर आपने फ्रिज से अंडे निकाल कर तुरंत उसे बीट किया तो जो आपका केक है ना फूलेगा नहीं। और अंडों को मैं थोड़ा सा विस्कर से बीट कर लूंगी। अब इसमें डालने वाली हूं शुगर, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जिसे हम खाना बनाते हैं। ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना है, आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ कीजिए या फिर सोयाबीन ऑयल। मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। मैदा लिया है उसमें डालने वाली हो कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, और मिक्स कर लेंगे। अंडे और तेल का जो मिश्रण हमने बीट किया था ना उसमें डाल रही हो। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन से आपको इसे मिक्स करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच पानी। मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद भी आपको जो केक है ना अच्छी तरह से फूल जाएगा। मिक्स कर लेंगे। केक का जो बैटर है ना परफेक्टली हमारा रेडी हुआ। उसमें डालने वाली 1 टीस्पून खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच पानी और मिक्स कर लेंगे। इसे मैं पतीली में बेक करने वाली हूँ। सभी के घर में केक टिन अवेलेबल नहीं होता तो इसे मैं कुकर के डिब्बे में ही बेक करने वाली हूँ। तो कुकर के डिब्बे को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के छोड़ दिया है। इसमें डालने वाली हूँ हमारा बैटर। यहाँ पे मैं बटर पेपर यूज नहीं करने वाली हूँ, फिर जो हमारा केक है आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। सबसे लास्ट इसमें डालने वाली हूँ वेनिला एसेंस की 3-4 बूंदे और मिक्स कर लेंगे। मैं टैप कर लूंगी, मैं प्री हीट होने के लिए छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। रखने वाली हूँ केक का टिन और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ओके है, जो हमारा केक है ना परफेक्टली रेडी हुआ है। बीच बीच में आपको टूथपिक डाल के चेक करना है। तो इसे मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद ही इसे मैं डिमोल्ड करूँगी। अगर गर्मा गर्म किया ना तो ये टूट भी सकता है। और परफेक्टली हमारा केक फुला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। केक
केक बनाना बहुत आसान है। आपको बिना अंडे के केक की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हमारा फुला फुला केक खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बेसिक केक खाने के लिए रेडी हो चुका है। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसी तरह से केक बनाइए और उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम से आइसिंग कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो मिस किचन।